来，好呀。嗯。चालू है गौर ब्रह्मानंदे। हाँ इसलिए कहते कहते एक श्लोक ही, श्लोक एक ही है लेकिन अलग अलग भक्त लोग उसको अलग अलग भाव में अभिव्यक्ति करते हैं। इसलिए कहते यही श्लोक को विश्वनाथ गुरु ठाकुर ने श्री राधा राय में लगा दी, लेकिन जो प्रभुपाद ये श्लोक को व्याख्या करते हैं, प्रभुपाद जो व्याख्या करते हैं वो क्या कहते हैं, बोले सत्यं परम धीमही। कहते वो परम सत्य को हम सबके सब परम सत्य को ध्यान करते हैं। कहते वो परम सत्य को बोले श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु कौन, बोले हाँ कहते राधा कृष्ण प्रणव विकृति शक्ति अस्मात् देकात्मना भूमि पूरा देह भेद तो चैतन्याक प्रकरण मधुना तद्वयम चैकम आप्तम राधा भाव शिवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। कभी चैतन्य महाप्रभु को नहीं है, कभी चैतन्य महाप्रभु कभी राधा कृष्ण प्रणय विकृति, कभी राधा रानी को नहीं, कभी कृष्ण प्रेम का जो मूर्तिमान स्वरूप श्री राधा रानी। प्रेम ही एक रूप है, अगर प्रेम कहीं अगर रूप देते हैं वो प्रेम स्वरूपिणी कौन है, श्रीमती राधा रानी। कहते वो दो होते हुए भी एक है और वो एक होते हुए भी दो है। इसलिए अभी वही कृष्ण ही कलयुग में राधा जी की भाव अंग कांति लेकर के श्री सचिनंदन गौर हरि रूप में आए। इसलिए हम किसको ध्यान करते हैं, बोले श्री जो परम सत्य है, जो पहले एक ही थे, जब लीला करने के लिए इच्छा की उन्हें दो हुए राधा और कृष्ण हुए हैं। इसलिए वो एक स्वरूप कौन है, बोले उनका नाम चैतन्य। चैतन्य क्यों, पहले जो एक चेतनता रूप में जो विद्यमान थे हैं ऐसे, इसलिए जन्मादस्य जतः उनसे ही ये जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय होता है। बा जन्मादस्य जतः मतलब जिनसे श्रृंगार रस व रस प्रकट होता है। बोले रस किससे प्रकट होता है, बोले भगवान के नाम से है, कृष्ण नाम। इसलिए बोले नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, जो भगवान का नाम है वो पूर्ण रस, भगवान का नाम ही वो पूर्ण रस है। देखो श्लोक एक ही है, श्लोक एक ही है, लेकिन एक श्लोक कैसे कैसे अलग अलग भक्त जब एक श्लोक को व्याख्या करते अलग अलग रूप। इसलिए कहते जो रस का जो परिपूर्णता किसमें है, कहते परिपूर्णता रस की है जब श्री महाप्रभु का भक्तों का आनुगत्य में हम भागवत पढ़ेंगे कथा सुनेंगे, कहते तब भी रस का परिपूर्ण प्राप्त होगा, हाँ परिपूर्ण प्राप्त होगा। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कहते आर ए जगतेर जगतेर शब्द व कथा अमादी का नरक यात्री कराए। कहते एक ही शब्द है लेकिन ये जगत का जो शब्द हमें क्या करता है, कथा हमें नरक ले जाता है। ये कथा में माया की जो कथा सुनोगे हमें ये नरक ले जाएगा। लेकिन श्री चैतन्य चंद्र वैकुंठ हरि कथा बोले अर्जुन ये जगत ऐसे चले, लेकिन श्री मन चैतन्य महाप्रभु इस जगत में वैकुंठ का वार्ता लेकर के इस जगत में महाप्रभु आए, ये जगत ऐसे चले। किंतु सही परम कृपा मयर कथा दुर्भाग्यवशतः आमादरे काने जाच्छे ना। सुमन महाप्रभु तो जगत में आए वो वैकुंठ वार्ता लेकर के, कथा हम लोग बड़े दुर्भाग्य आए, महाप्रभु जगत में जो कथा लाए जो भक्ति लाए वो कथा हमारे कान में नहीं जाती है। जहरा भगवान तहराई महाप्रभु कथा बुझते पारे। कहते जो लोग बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति है वही लोग ही कहते श्री चैतन्य महाप्रभु को कथा को वही केवल ही समझ सकते हैं। इसलिए बोले चैतन्य चंद्र दया करह विचार विचार कर ले चित्ते पावे चमत्कार। कहते श्री मन चैतन्य महाप्रभु जगत में जो चीज को देने के लिए आए थे अगर उस चीज को विचार करोगे ना,
हमारे हृदय प्रेम में गदगद हो जाए, चमत्कार बाबा महाप्रभु इतने दुर्लभ वस्तु देने के लिए जगत में आए थे, हम ब्रज भक्ति प्रेम, ब्रज प्रेम को देने के लिए। भाग्य क्रम में हमारा यदि भगवान रे सेवा करवार प्रभित विशिष्ट हई ताहिले हमारे काने ये सब कथा जावे, हमारा ये सब कथा सुनते पारवो धरते पारवो, यदि उस बात को कौन समझ सकता है, कौन इस बात को धारण कौन कर सकता है। अगर भाग्य क्रम में हमारे यदि भगवान ने सेवा परिवार प्रभु अगर इसे भाग्य क्रम से अगर हम भगवत सेवा करने के लिए चाहते हैं, भगवान की भक्ति करेंगे तो हाँ, अगर भगवान की कथा अगर हम श्रवण करेंगे हाँ, तभी वो चीज को वैकुंठ वार्ता को हम हृदय में धारण कर सकता है। बोले जार जे अवस्था सही अवस्था थे कि उन्नत होता हवे भालो होता हवे। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना हम भगवान की भक्ति करो भजन करो, कोई कोई कहते ना अभी समय नहीं हुआ है, अभी हमारे बहुत कुछ कर्तव्य है, जब ये सारे कर्तव्य खत्म हो जाएंगे ना फिर हम भक्ति करेंगे। कोई कोई बोलते हैं ना अभी ये करना वो करना वो करना वो करना, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं नहीं, भगवान तुम्हें जिस अवस्था में रखे अभी जो अवस्था तुम्हारी है वह अवस्था को समझो जीवन का ये सबसे बढ़िया अवस्था है, इससे बढ़िया अवस्था कुछ नहीं आ सकती। ये लोग भगवान जिस अवस्था में रखे उसी अवस्था में रह करके कोशिश कर उन्नत प्राप्त करने के लिए। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं स्थाने स्थिताम श्रुतिगतांग तनुबांग मनोभी जे प्राय स अजीत जित भी स्तर योग्य। इसलिए भगवान का एक नाम अजीत, अजीत मतलब क्या है, जिनको जितना बा जिनको पाना बहुत ही कठिन है। तो यहाँ पर कहते हैं क्या उनका नाम अजीत मतलब कभी हम जीत उनको जीत नहीं सकते और कभी उन क्या पा ही नहीं सकते हैं। बोले ना पा सकते हो। बोले कैसे, बोले स्थाने स्थिता, स्थाने स्थिता मतलब क्या है, जिस अवस्था में हो उसी अवस्था से भक्त करना शुरू करो, ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है स्थाने स्थिता, बोले कहाँ पर रहनी चाहिए हमें, बोले जथाई वैष्णवगण सही स्थान वृंदावन रहनी चाहिए, वैष्णव की चरण में रहनी चाहिए, जहाँ पर उनकी मुखारविंद केवल भवदीय वार्ताम, जहाँ पर वैष्णव लोग जिनकी जिनके मुखारविंद से आपकी कथा रूपी गंगा की मंदाकिनी बह रही हैं वहीं पर रहो है, वहीं पर रहो। वो मना कर देते हैं ज्यादा इधर घूमने घामने के लिए मना कर देते हैं, इसलिए कहते हैं जथाई वैष्णव गण सही स्थान वृंदावन, जहाँ पर वैष्णव लोग जहाँ हरि कथा वहीं पर वृंदावन है। बोले गिरि तथा गोवर्धन भूमि तथा वृंदावन, गिरिराज और कोई नहीं वृंदावन और कोई नहीं। बोले कहाँ पर है, बोले जहाँ पर भक्त लोग रह करके भगवान की कथा बोलते हैं वहीं पर रहो है, काय मन वाक्य ये तीनों को द्वारा किया कर। बोले भवदीय वार्ताम, भवदीय वार्ता मतलब बोले भक्त और भगवान दोनों की कथा सुननी चाहिए है। भवदीय वार्ता मतलब भवदीय आप आपका और अपना भक्तों की कथा सुनना। बोले कैसे सुनेंगे, बोले तन बांग मनोभी तीन चीज को तरह कथा सुनो, बोले शरीर से मन से और वाणी से। बोले कथा तो मन से सुनते हैं, वाणी से और कथा शरीर से कैसे सुने। बोले इसका मतलब है जहाँ कथा होती है वहाँ पर शरीर होगा तो जाकर बैठ कर कथा सुनोगे, इसलिए जहाँ कथा होती है वहाँ जा करके क्या करो, पहले जो कथा स्थल उस स्थल को प्रणाम करो, जो कथा सुन रहे हैं उनको प्रणाम करो और जो कथा बोल रहे हैं उनको प्रणाम करो। इसलिए बोले तन बोले बांग बोले वाणी से कथा सुनो। बोले वाणी से कथा कैसे सुनेंगे, बोले जो कथा सुनते हो हाँ वो कथा को भी दूसरों को सुनाए करो, ऐसे नहीं सुन करके वहीं तक रख लिया, नहीं कथा जो सुनते हो कथा को भी दूसरों को सुनाए करो। तन बांग मनो भी बोले जे प्राय स अजीत, कहते जो प्राय करके जिनको पाना कठिन है ऐसे जो अजीत है वो भी तुम्हारी प्रेम में वशीभूत हो जाएंगे हैं, प्रेम में वशीभूत हो जाएंगे। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं भालो हवे जीवंत तो साधु का चेतना वही वाणी सुनता है, कहते जो कथा है ना बोले जो जीवंत तो साधु है उनसे कथा सुननी चाहिए है। जीवंत साधु मतलब होता है जो सचमुच से भजन परायण है, भगवान की
भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, कहते उनसे ही कथा सुनने से हमारी सदा लाभवान है, सदा लाभ जब हम कथा सुनते हैं। अभी जो रसगुल्ला खाया वो तो रसगुल्ला की टेस्ट को बता सकता है ना, अभी जो रसगुल्ला खाया नहीं उसको क्या पता रसगुल्ला में क्या स्वाद होता है, इसलिए जो खाया वही रसगुल्ला की टेस्ट केवल वही बता सकता है, है? इसलिए कहते जीवन तो साधु से ही चेतनमयी वाणी सुननी चाहिए। जय मूर्ति अमरा प्रकृत साधु काचे हरि कथा ना सुनबो, निष्कपटे साधु सेवा ना करबो, सही मूर्त ही अमादि के माया ग्रास करी। तो जिस समय हम साधु को पास में हरि कथा नहीं सुनेंगे, निष्कपट रूप में साधु सेवा नहीं करेंगे, फिर क्या होगा, उसे मूर्त माया में ग्रास कर लेगा। इसलिए अतएव हमारे कर्तव्य है हरि कथा सत्य सती, जो हरि कथा है चेतन थे के चेतन वही हरि कथा प्रकाशित हो अच्छे सही दिखे मन जोग रखा। इसलिए प्रभुपाद कह रहे जहाँ पर भगवान के ऐसे दिव्य वाणी है भक्तों के मुखार विद से दिव्य वाणी कथा सुनाई पड़ता है, वहीं पर अपना मन को लगा करके कथा श्रवण करनी चाहिए। लिविंग सोर्स थे सेवन मुख कर्ण दिए हरि कथा श्रवण कर ले चेतन वृत्ति उनमें सिद्ध हुए, तब न निर्बल चिता मरा भगवत अनुभूति भगवत दर्शन लाभ करते बार वो। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं जितने हमें उच्च वैष्णव का संग मिलता है ना, उच्चा वैष्णव का संग मिलता है उतना ही हमारी ज्यादा लाभ है, उतना ज्यादा लाभ। इसलिए राय रामन तो कहते हैं कृष्ण रस भाविता मति क्रियताम कुतपि यदि लभ्यते तत्र लौल्य मूल्य में कलम कोटि सुकृति अभिन लभ्यते। कहते भक्ति कैसे प्राप्त होता है, बोले सुकृति को द्वारा। लेकिन अगर कहीं कृष्ण रस भाविता मति, हाँ गुरुदेव उदाहरण देते हैं जैसे रुई को पानी में डुबो दो ना, उसका कणकण में पानी पानी उसका कणकण में पानी समा जाता है। कहते उसी तरह अगर हमें भाग्य क्रम से ऐसे अगर साधु हमें मिलता है, हाँ अगर ऐसे हमें साधु मिलेगा इसके कण कण में ही भक्ति रस से पूरा सरावर हुआ हो, हाँ कृष्ण रस में जो डूबा हुआ हो, अगर ऐसे भक्त का संग मिल जाए ना, कहते भैया करोड़ों सुकृतियों को द्वारा जो वस्तु प्राप्त नहीं होता ऐसे संग से हमें प्राप्त हो जाता है। तो साधु संघ की इतनी महिमा, साधु संघ की इतने महिमा बताया गया। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कर्ण दि हरि कथा चेतन वृत्ति उन्मत, जितने उच्च वैष्णव संघ होगा उतना हृदय में हमारे उतना ही उच्चा भक्ति प्राप्त होगा, ऐसे ही उतना जल्दी हमारे हृदय में भक्ति उनमें से होगा। तखन निर्मल चित्त हमारा भगवत अनुभूति व भगवत दर्शन लाभ करते पारबो, तभी निर्मल चित्त में तो भगवत अनुभूति और भगवत दर्शन हमें हो सकता है। स्रोत पते वा श्रवण पते भगवत दर्शन है, एतद व्यतीत भगवत दर्शन अन्य को रास्ता ना है। इसलिए प्रश्न किया था, प्रश्न था भगवत दर्शन करने का रास्ता क्या है। इसलिए अंतिम समय में प्रभुपाद कहते हैं स्रोत पथे वा श्रवण पथे भगवत दर्शन है। इसलिए भगवत दर्शन कैसे होगा, मतलब गुरु परंपरा से ही सुनना पड़ेगा कथा, हाँ कथा जहाँ तहाँ नहीं सुननी चाहिए। इसलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं जो कान है ना ये दोना है, बोले ये कान रूपी दोना को जहाँ तहाँ मत दिया करो। बोले जहाँ तहाँ मत देना मतलब क्या है, कर जिनका जिनको संबंध ज्ञान पता नहीं है, संबंध ज्ञान नहीं, अगर वहाँ पर ये कान दे दोगे ना फिर भक्ति रास्ता से भटक जाओगे। इसलिए ये कान रूपी दोना वहीं पर दो जिसको संबंध ज्ञान पता है, नहीं तो तुम्हें उल्टा पुल्टा जो उपासना करने वाले अगर ऐसे संगत में बैठ जाओ तो फिर तुमको उल्टा रास्ता मिल जाएगा, उल्टा रास्ता मिल जाएगा। इसलिए जब तक जिसको संबंध ज्ञान नहीं हो कहती ये कान रूपी तोड़ा सबको मत दिया करो। इसलिए स्रोत पंथ में ही कथा को गुरु परंपरा से जो कथा आती है वो गुरु परंपरा का कथा